हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा है आप अच्छे होंगे। क्या आप लोग को पता है स्नेक प्लांट रात को भी फोटोसिंथेसिस करता है? जी हाँ, स्नेक प्लांट रात को भी फोटोसिंथेसिस करता है और ये हमारे इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आइए मैं स्नेक प्लांट के बारे में 20 से 25 ऐसे बेनिफिट के बारे में बताऊंगी, जिसको सुन के आप अपने गार्डन में स्नेक प्लांट के गमलों को ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक एक बेनिफिट को मैं बारी बारी से डिस्कस करती हूँ। तो पहला है, आइए पहले हम स्नेक प्लांट के नाम के बारे में ही जान लेते हैं। स्नेक प्लांट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मदर इन लॉ टंग, सेंट जॉर्ज की तलवार, या फिर इसको सेंसिवेरिया ट्राइफेसिएटा कहा जाता है। 2017 तक इसको सेंसिवेरिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको ड्रेसिना ट्राइफेसिएटा के नाम से जाना जाता है और लगभग इसके 70 वैरायटी होती है, जिसमें से हमारे इंडिया में ड्रेसिना ट्राइफेसिएटा, ड्रेसिना सिलिंड्रिका, ड्रेसिना लॉरेंटाई, ड्रेसिना डिज़र्टाई, इस तरह से बहुत सी वैरायटी होती हैं जो कि आप आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। अगला है, यह एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, लो केयरिंग एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, जिसको नासा ने भी रिकमेंड किया है कि इसको आप घर में लगाइए। इसको आप धूप में, घर के अंदर, वाटर में, यहाँ तक कि अंधेरे कमरे में भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये कहीं भी आसानी से ग्रो हो जाता है। स्नेक प्लांट छोटे कप से लेकर के बड़े बड़े कंटेनर में आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैंने चाय के कप और कॉफ़ी मग में मैंने स्नेक प्लांट लगाया है और यह स्नेक प्लांट देखिए मैंने पानी में ग्रो किया है और ये पिछले 6 महीने से इसी तरह से चल रहा है। स्नेक प्लांट को जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। यह एक हार्डी पौधा है और इसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसको हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार पानी की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइज़र भी बहुत आवश्यकता इसको नहीं होती है। साल भर में एक बार आप NPK फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। यह बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन जैसे पॉलिटंट को 87% तक दूर करता है और स्नेक प्लांट डिप्रेशन को भी कम करने में सहायता करता है। देखिए, यह ड्वार्फ वैरायटी डार्क ग्रीन कलर का है और इसमें बहुत से बेबी प्लांट निकलते हैं। ये देखिए, इसको भी, ड्वार्फ वैरायटी को भी मैंने पानी में लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छा चलता है। ड्वार्फ वैरायटी वेरीगेटेड भी होती है। इसको आप छोटे छोटे पॉट में लगा करके आप इंडोर में बच्चों के टेबल पर, बेड पोस्ट पर, कहीं भी रख सकते हैं, जो कि आपके घर के अंदर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि रात को भी यह ऑक्सीजन देता है, इसलिए कहा गया है क्योंकि रात को भी यह हल्की रोशनी में या उसमें भी फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है और ये हमारे रूम के CO2 को लेकर के फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। फेंग शुई में भी इसका स्थान बहुत मिला है। फेंग शुई के अनुसार ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, मैंने छोटे कप में भी ड्वार्फ वैरायटी लगाई है। ये मैं अपने बच्चों के
स्टडी टेबल पर रखती हूँ। स्नेक प्लांट में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी भी होती है और इसकी सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल बहुत विशेष प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा बालू की मात्रा अधिक होनी चाहिए जिससे कि वेल ड्रेन मिट्टी रहे। अगर स्नेक प्लांट कभी ख़राब होता है या सड़ता है तो केवल पानी के कारण, अन्यथा स्नेक प्लांट सालों साल आपके घर में चलता रहता है। प्रोपोगेशन की बात करें तो स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान काम है। यह इसके स्टेम से, रूट से और लीफ से, तीनों से ही प्रोपोगेट हो सकता है। देखिए, ये मैंने पौधे को, इसका बेबी प्लांट है, इसको अलग किया। इसके अलावा जितने भी अलग अलग पौधे हैं इसको अलग करके आप अलग अलग गमले में इसको लगा सकते हैं और सभी पौधे कुछ दिनों में, लगाने के बाद कुछ दिनों में पूरे गमले में प्रोपोगेट हो करके नई नई इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं और पूरा गमला भर जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसलिए दोस्तों, आप स्नेक प्लांट की वैरायटी लगाइए। इसको बहुत केयर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बहुत अधिक पानी और अपने पेट्स और बच्चों से बचा कर रखिए और ये आपको दिन रात ऑक्सीजन देगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आपको फेफड़े की कोई परेशानी नहीं होगी, आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा और ये पौधा आप किसी भी अपने फ्रेंड के यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी इसको आसानी से दे देता है। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो नर्सरी से जा कर के इसको ले सकते हैं। ये पौधे बहुत सस्ते होते हैं। तो दोस्तों, कैसा वीडियो लगा? धन्यवाद।